नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्राइम न्यूज। लायंस क्लब प्रांत 3233 ई2 के उदयपुर इलेट एवं लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से महाराणा भूपाल बाल चिकित्सालय उदयपुर में निर्मित खिलौना घर का शुभारंभ। माननीय जिला कलेक्टर श्री अरविंद कोसवाल, बाल चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर आर एल सुमन, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर लाखन कोसवाल, लायंस क्लब के पूर्व प्रांतपाल अनिल नाहर व संभागीय अध्यक्ष लान नितिन शुक्ला के आतिथ्य में संपन्न हुआ। क्लब अध्यक्ष वंदना शुक्ला ने बताया कि इस खिलौना घर से बाल चिकित्सालय उदयपुर में टीकाकरण एवं अन्य कारणों से आने वाले बच्चों को टीकाकरण के दर्द एवं भय से होने वाली परेशानी से बहलाया जा सकेगा। शुभारंभ के तुरंत पश्चात उपस्थित बच्चे खिलौना घर में आकर खिलौने से खेले। उनकी खुशी देखकर उनके माता पिता सहित सभी जन हर्षित थे। इस अवसर जिलाधीश कोसवाल सहित सभी अतिथियों ने इस अनोखे प्रयास के लिए क्लब एलिट व अध्यक्ष वंदना शुक्ला की खूब खूब प्रशंसा की। संभागीय सचिव अशोक चौधरी के अनुसार वहां उपस्थित बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष राजकुमारी खाबिया, विष्णु सुहालका, रजनीश चित्तोड़ा, अरविंद जैन, शरद जैन, ज्योति प्रकाश कुमावत, ललित खाबिया, दिलीप नागदा तथा लायंस क्लब उदयपुर मणिकर्णिका की अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा व सचिव लान पुष्पा जावा आदि की उपस्थिति रही। लायंस क्लब उदयपुर एलिट द्वारा जो कम्युनिटी ग्रांट के तहत ये जो एक खिलौना घर बना है, अपने आप में एक अनूठी पहल है। यहाँ सामने बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र और बच्चे माँ बाप को परेशान करते रहते हैं और यहाँ आकर वो खेलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लायंस क्लब इमेज बिल्डिंग के लिए ऐसे जो काम कर रहा है वो ऐसे ही काम लगातार करते रहे। मैं बधाई देना चाहता हूँ वंदना जी, शुक्ला, विष्णु जी और नितिन जी, अशोक जी, सबको जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही काम लगातार करते रहे। धन्यवाद। जैसे आज के हमारे मुख्य अधिकारी श्रीमान अनिल जी नाहर। इसी तरह पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ सब्सक्राइब का बटन दबाकर